हेलो दोस्तों, ये है कंपैरिजन नॉइस कलर फिट प्रो 2 सेकेंड जेन वर्सेस अमेज़फिट बिप। इसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर कर दी, जैसे कि नोटिफिकेशंस हो गया या हेल्थ ट्रैकिंग, ओवरऑल कौन सा लेना चाहिए आपको। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले के मामले में दोनों भी टच स्क्रीन है, और अगर मैं बात करूँ सिर्फ शार्पनेस की तो नॉइज़ जो है थोड़ा शार्पर लगता है कंपेयर टू अमेज़फिट बिप। मगर मोर इम्पॉर्टेंटली एक स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड में सनलाइट एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें अमेज़फिट बिप काफ़ी आगे निकल के जाता है। इसमें है एक सुपीरियर डिस्प्ले, ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले है तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और नॉइज़ फिट जो है डेफिनेटली स्ट्रगल करता है एक्सट्रीम सनलाइट के अंदर, डेफिनेटली ये तो मार खा जाता है। और वैसे भी ये एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा धूप निकल के नहीं आता, तो फिर भी देख सकते हैं उतना विजिबल नहीं है। और बिप में हमें मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि काफ़ी अच्छा है। बिप में हमें मिलता है गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन जो नॉइज़ में देखने को नहीं मिलता, तो लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए थोड़ा रिलायबल होता है अमेज़फिट बिप का डिस्प्ले। नॉइज़ में हमें मिलते हैं कुछ 5 वॉच फेसेस आज के डेट में। वही हम बात करेंगे बिप की, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट मिल जाता है तो काफ़ी सारे वॉच फेसेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो बोर होने की कोई चांस ही नहीं है। और यही नहीं, बिप में हमें थर्ड पार्टी ऐप सपोर्ट मिल जाता है कैमरा कंट्रोल के लिए या हो गया म्यूज़िक कंट्रोल, तो डेफिनेटली हम और ज़्यादा फंक्शनैलिटी ला सकते हैं। दोनों में IP68 वाटर रेटिंग है तो डे टू डे वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, मगर स्विमिंग के लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वाटर का प्रेशर होता है, काफ़ी सारे चीज़ें होते हैं, तो डेफिनेटली स्विमिंग के लिए नहीं है। लुक्स के डिपार्टमेंट में दोनों भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। वैसे आप बताइए आपको कौन सा पसंद आ रहा है। UI के मामले में दो चीज़ मुझे अच्छे नहीं लगे नॉइज़ फिट के बारे में। एक तो इसमें बैक जाने का जेस्चर ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना पड़ेगा पावर बटन साइड में जो मिल रहा है। तो ये यार डे टू डे लाइफ में थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है हर बार प्रेस करना बैक जाने के लिए, और इसमें थोड़ा बहुत लैग भी देखने को मिल जाता है UI में। तो ये दो चीज़ मुझे अच्छे नहीं लगे नॉइज़ में, जबकि अमेज़फिट बिप जो है फुली टच स्क्रीन है, बैक जेस्चर भी है और ये काफ़ी फ्लूइड लगता है ओवरऑल यूज़र इंटरफेस। और बिप में हमें मिलता है इनबिल्ट GPS, तो आपको फ़ोन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप करेंगे आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर रनिंग, तो नॉइज़ फिट में ये ऑप्शन मिसिंग है। कॉल नोटिफिकेशन के मामले में नॉइज़ फिट जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ डिले होता है 3 सेकंड का बाय डिफ़ॉल्ट, तो कोई जेस्चर आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप प्रेस करेंगे स्क्रीन पे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा कॉल, और आप इसे म्यूट या साइलेंट नहीं कर सकते हैं फ़ोन पे। अगर आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये साइलेंट हो जाएगा सिर्फ वॉच में, और फ़ोन जो है साइलेंट नहीं होगा। मगर बिप में हम कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और फ़ोन को साइलेंट भी कर सकते हैं। दोनों में टेक्स्ट रीडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सिमिलर है, बड़ा डिस्प्ले है तो दोनों में भी अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, और इसमें कोई रिप्लाई ऑप्शन नहीं मिलता दोनों में, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोनों में पेडामीटर या स्टेप काउंटिंग एक्यूरेसी मैंने टेस्ट किया था एक वॉकिंग सेशन के ऊपर। बिप को मैंने पहना था राइट हैंड में और नॉइज़ को लेफ्ट हैंड में, तो आप देख सकते हैं सिमिलर रिजल्ट्स हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। तो पेडोमीटर या स्टेप काउंटिंग एक्यूरेसी दोनों में काफ़ी सिमिलर मिल जाता है जहाँ तक मैंने टेस्टिंग की है। हार्ट रेट कंपैरिजन में भी काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, और जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है मी बैंड 4 या ऑनर बैंड 5 सारे चीज़ों में ये कुछ फेयरली एक्यूरेट रिजल्ट जो हैं सिमिलर रिजल्ट मिल जाते हैं। स्लीप ट्रैकिंग के मामले में अमेज़फिट बिप बेहतर है, ज़्यादा एक्यूरेट है। स्लीप टाइम और वेकअप टाइम जो है बिप में ज़्यादा एक्यूरेट है। हाँ, दोनों में स्लीप टाइम सही है, मगर वेकअप टाइम जो है एक्चुअली वो बिप में सही है। मैंने एक्चुअली उठा था करीब 8 बजे। नॉइज़ यहाँ पे डेफिनेटली इनएक्यूरेट है, और यार डीप स्लीप जो है वो बेहतर कैलकुलेट किया गया है बिप में। मैंने कल रात उतना अच्छे से सो नहीं पाया था, तो यार सुबह में भी मुझे नींद आ रही थी, तो ये डीप स्लीप जो है 45 मिनट्स का मुझे काफ़ी एक्यूरेट लगा। नॉइज़ फिट फर्स्ट जेन में भी ये स्लीप ट्रैकिंग उतना खास नहीं था, तो यहाँ पे भी उतना इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। नॉइज़ फिट में म्यूज़िक प्लेयर भी है, मगर सिस्टम वाइड काम नहीं करता जैसे मी बैंड 4 करता है, तो
तो म्यूज़िक प्लेयर को आपको जाना पड़ेगा मेन्यू में, होम स्क्रीन में अवेलेबल नहीं है, और यहाँ जब आप कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली काम करता है, मगर थोड़ी देर बाद ये जो है फिर से होम स्क्रीन पे जाता है तो आपको फिर से मेन्यू में जाके म्यूज़िक प्लेयर ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये इम्प्लीमेंटेशन जो है उतना प्रैक्टिकल नहीं है। ऐप के बारे में बात करूँ तो डिसेंट ऐप है और इसमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए, मगर बीफिट में जितने फीचर्स ऑप्शंस मिलते हैं वो यहाँ देखने को नहीं मिलते, और यार वो काफ़ी पॉलिश लगता है, रिफाइन लगता है ऐप। यहाँ पे ये जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। बैटरी के मामले में रफली स्पीकिंग नॉइस फिट जो है 7 से 10 दिन तक टिक सकता है नॉर्मल कैजुअल यूज़ के हिसाब से, और बिप हमें आराम से दे सकता है 10 से 15 दिन तक बैटरी लाइफ। तो यार ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो अगर बात करेंगे कौन सा लेना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अमेज़फिट बिप, या आप जा सकते हैं बिप लाइट, वो कम दाम में मिल जाता है। तो यार ये मेरे यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने रिकमेंडेशन दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी, सी यू सून।